तो हम लोग अभी लास्ट लोकेशन पे आ गए, जो कि है हम लोग का सिक्स पॉइंट, जो कि है एको पॉइंट। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग निकले हैं माथेरान के लिए। अगर आप माथेरान जाना चाहते हो और आपको पता नहीं है माथेरान कैसे जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि हम लोग माथेरान में बहुत सारी चीज़ें कवर करने वाले, जैसे कि ट्रेन कहाँ से मिलेगी माथेरान जाने के लिए, और माथेरान में टॉय ट्रेन कहाँ पे मिलेगी, टाइमिंग क्या होगा टॉय ट्रेन का, और फूड कहाँ पे मिलेगा, होटल्स के रेट क्या होंगे, और कौन से लोकेशन पे घूमना चाहिए आपको माथेरान में जाके, इस सब को हम इस वीडियो में कवर करने देखेंगे। तो अभी टाइम वेस्ट किए बिना सीधा निकलते हैं। तो हम जाने वाले माथेरान ट्रेन से। माथेरान का नज़दीकी स्टेशन है नेरळ। हमें पहला नेरळ पहुँचना होगा। तो हम मुंबई से जाने वाले लोकल ट्रेन से। अगर आपको लोकल ट्रेन से जाना पता नहीं है कैसे जाते, तो मैं आपको शॉर्टली बताता हूँ नेरळ तक आपको कैसे पहुँचना है। तो हमें लगेगा एम इंडिकेटर, जो आपको यहाँ का लोकल ट्रेन का टाइमिंग वगैरह बता देगा। तो हमें एम इंडिकेटर इंस्टॉल करना होगा। सबसे पहले आपको आपका फ़ोन ओपन कर लेना है और आपको प्ले स्टोर पर जाना है। जैसे आप प्ले स्टोर पर जाओगे, आपको सर्च बटन दिखेगा, वहाँ पर आपको सर्च करना है एम इंडिकेटर। जैसे आप एम इंडिकेटर सर्च मारोगे, आपको बहुत सारे आ जाएगा, उसमें से पहला आपको सिलेक्ट करना है। जैसे आप पहला सिलेक्ट करोगे, आपको उसको इंस्टॉल कर लेना है। तो आपको एम इंडिकेटर ओपन कर लेना है और आपको सामने लोकल दिख जाएगा। तो लोकल पे क्लिक करेंगे तो आपको सर्च का ऑप्शन दिख जाएगा। आपके जो भी नज़दीकी लोकल ट्रेन का स्टेशन होगा, उसे सर्च करना है। तो मैं गोरेगांव में रहता, तो मैंने गोरेगांव सर्च किया है। तो गोरेगांव टू डेस्टिनेशन दिखा रहा है हमें, उस पर क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ पर नेरळ सर्च करेंगे। तो हमें यहाँ पर ये रूट दिखा रहा है, ये हमें वाया दादर जाना होगा। मतलब यहाँ से गोरेगांव टू दादर, दादर से हमें ट्रेन चेंज करके आगे नेरळ के लिए जाना होगा। तो इस पर क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने के बाद आपको दिखा देगा, जो दोनों ट्रेन का टाइमिंग दिखा देगा। तो गोरेगांव से मुझे दादर के लिए 49 की है, जो रात की है दिखा रहा है। पर अभी मैं रात को चेक कर रहा हूँ, इसलिए अभी टाइमिंग का थोड़ा मिसमैच है। अगर आप डे में चेक करते हो, आपको परफेक्ट टाइमिंग दिखा देगा। तो दूसरा मेरा ट्रेन रहेगा जो दादर का, सुबह 4 बजे का दिखा रहा है। तो आप ऐसे इजीली सर्च कर सकते हो आपका ट्रेन। आपको हर आधे एक घंटे में आपको दादर से ट्रेन मिल जाएगी, जो नेरळ के लिए जाती है, अगर आप मुंबई से जाना चाहते हो तो। अगर आप पुणे से जाना चाहते हो, तो आपको सह्याद्री एक्सप्रेस मिल जाएगी, जो पैसेंजर ट्रेन है, जो आपको नेरळ तक पहुंचा देगी। अगर आप बाय रूट जाना चाहते हो पुणे से, तो आपको 120 किलोमीटर पड़ेगा माथेरान। अगर आप मुंबई से जाना चाहते हो, तो आपको लगभग 100 किलोमीटर के करीब करीब पड़ जाएगा। तो हम लोग अभी नेरळ पहुँच गए, और आपने पीछे देख सकते हो, ये नेरळ स्टेशन है। और मुझे दादर से यहाँ पे आने के लिए 1.5 घंटा लग गया, 1.5 घंटा दिखा था, और 1.5 घंटा ऑन टाइम पे यहाँ पे पहुँच गया। और जैसे स्टेशन है, स्टेशन के बाजू में ही टॉय ट्रेन का यहाँ पे स्टेशन था, जहाँ से आपको जाने के लिए यहाँ से ही डायरेक्ट टॉय ट्रेन था, जो माथेरान तक जाता था। पर अभी यहाँ पे इसका काम चल रहा है, इसका मेंटेनेंस का काम चल रहा है, इस वजह से ये ट्रेन अभी यहाँ से बंद है। हमें जाना पड़ेगा अमन लॉन्च, अमन लॉन्च से हमें लेना पड़ेगा टॉय ट्रेन आगे माथेरान जाने के लिए। जो आपको दिख रहा है ये स्टेशन, स्टेशन से जब बाहर रहोगे आप, तो आपको वहाँ पे शेयरिंग टैक्सी टाइप मिल जाएगा, जो आपको शेयरिंग में लेके जाते, कुछ 100 रुपीज़ होता है शायद से। तो वहाँ पे जाके इंक्वायरी करते कितना रहेगा, और आपको मैं बताता भी हूँ कैसे जाना है आपको बाहर। जैसे आप स्टेशन से बाहर आओगे, आपको यहाँ पे रिक्शा स्टैंड मिलेगा, और हमें ये रोड पे सीधा जाना है आगे, जहाँ पर हमें मिलेगा शेयरिंग टैक्सी। तो कुछ इस टाइप का रहेगा इको, जिससे हम लोग जाएंगे। नेरळ स्टेशन से माथेरान का डिस्टेंस है 10 से 11 किलोमीटर। नेरळ स्टेशन से माथेरान जाने के लिए टूरिस्ट टैक्सी आपको 100 रुपीज़ पर सीट चार्ज करते हैं, और बच्चों के लिए 50 रुपीज़ है। नेरळ से माथेरान पहुंचने के लिए आपको 25 मिनट्स लग जाएंगे इस पे से, और शुरुआती के 5 मिनट बाद ही आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे व्यूज़ देखने मिल जाएंगे पहाड़ों के। कब आपका 25 मिनट्स खत्म हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। जैसे आप माथेरान के एंट्री गेट पर पहुँच जाओगे, आपको एंट्री गेट के बाजू में बहुत बड़ा पार्किंग एरिया मिल जाएगा, जहाँ पर आप आपकी गाड़ी पार्क कर सकते हो। बाइक का आपको एंट्री फ़ी देना होगा 30 रुपीज़, और 30 रुपीज़ आपको पार्किंग का देना होगा, टोटल आपको 60 रुपीज़ देना होगा। वैसे ही कार का आपको 50 रुपीज़, और एंट्री फ़ी का आपको 50 रुपीज़ देना होगा, टोटल 100 रुपीज़। तो आपको आपकी गाड़ी पार्क करना होगा, तो वहाँ पे आप कर सकते हो। यहाँ पे लाके आपको छोड़ेगी शेयरिंग टैक्सी, और हमें जाना है यहाँ पे टिकट काउंटर। तो यहाँ पे टिकट काउंटर है, अडल्ट का 50 और चाइल्ड का 25 है, और यहाँ से हमने टिकट ले लिया है 50 रुपीज़ का। यहाँ से अभी हम जाएंगे सीधा सामने, तब होगा। अच्छा, आने के टाइम भी लगेगा क्या? अच्छा अच्छा, ठीक है, थैंक यू। तो हम लोग अभी स्टार्ट पॉइंट पे पहुँच चुके हैं, वहाँ से हम लोग ने टिकट लिया है, और अभी आगे के लिए हम लोग बढ़ रहे हैं टॉय ट्रेन की तरफ। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऐसा मस्त सा ऐसा बनाया, उसके बीच में से जाना है। और जैसे कि एक डिफरेंस मैं बोल सकता हूँ, जैसे कि मैं अभी स्टेशन पे था नेरळ स्टेशन पे, और वहाँ से यहाँ पे आया, जो मेरे को क्लाइमेट में डिफरेंस देखने मिला, मेरे को 5-6 डिग्री का डिफरेंस, एकदम
लग रहा है एकदम ठंडा माहौल बन गया यहाँ पे। आप जैसे टिकट लेके थोड़ा आगे आओगे आपको यहाँ पे घोड़े वाले हाथ गाड़ी वाले दिख जाएंगे। अगर आपको घोड़े से जाना है तो 500 से लेके 1500 के बीच में ये चार्ज करते हैं, और अलग अलग लोकेशन का अलग अलग चार्जेस है उनका, पॉइंट्स के ऊपर वो चार्ज करते हैं। जैसे आपको कहाँ पे जाना वो डिपेंड करता है। हाथ गाड़ी से अगर जाओगे आप 700 से लेके आपको 3000 से 4000 तक भी जाता है, डिपेंड करता है आप कौन से लोकेशन में उनको लेके जाना चाहते हो। अगर आपको खाली लगेज ही लेके जाना है तो लगेज लेके जाने वाले लोग भी है, बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे। वेलकम टू माथेरान आ जाएगा आपको, तो आपको सामने ही अमन लॉन्ज है, थोड़ा आगे जाओगे स्टेशन है वो, और दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं। ये सामने आपको अमन लॉन्ज दिखता रहेगा और उसका टिकट काउंटर है यहाँ पे से हमें टिकट मिलेगी। तो ऑलरेडी यहाँ पे लाइन है, तो इसमें कुछ टाइमिंग्स है। माथेरान अपने टॉय ट्रेन के लिए भी जाना जाता है। माथेरान का टॉय ट्रेन यहाँ पे 100 साल से भी ज़्यादा समयों से यहाँ पे काम कर रहा है, और हर कोई इस टॉय ट्रेन में बैठना चाहता है। पर आप अगर वीकेंड में आते हो तो आपको इस टॉय ट्रेन में बैठने के लिए बहुत बड़ी लाइन लगानी पड़ सकती है, क्योंकि लोगों का रश होता है यहाँ पे, और हर एक एक घंटे में एक एक ट्रेन है, इस वजह से यहाँ पे रश होती है। टॉय ट्रेन का टिकट है सेकेंड क्लास का 45 रुपीज़, और बच्चों के लिए है 30 रुपीज़। अगर आप फर्स्ट क्लास से जाना चाहते हो तो 305 रुपये, और बच्चों के लिए है 180 रुपीज़। और ये टॉय ट्रेन का टाइमिंग्स है अमन लॉन्च से माथेरान का और माथेरान से अमन लॉन्च का, तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल के ले लेना, आपको घूमने में मदद करेगा ये। जैसे कि हम लोग अभी है अमन लॉन्च के पास, ये यहाँ पे पीछे टॉय ट्रेन लगती है, पर टॉय ट्रेन अभी 1 घंटा लगेगा, 1 घंटा 9:55 की है। तो 1 घंटा वेट करने से अच्छा मैं सोच रहा हूँ कि मैं चले जाऊँ चल के, बहुत लोग चल के गए और मुझसे छूट गई है। 8:40 की जो टॉय ट्रेन थी वो मुझसे छूट गई है, तो उस वजह से अभी मुझे 9:55 की मिलेगी, तो हम भी चलते हैं चल के, तो लेट्स गो। तो आप सोचते होंगे अमन लॉन्च से माथेरान तक कैसे आप चल के जाएंगे, तो चल के जाने का सिंपल सा रास्ता है, ये ट्रैक को पकड़ के सीधा आपको जाना है, ट्रैक को आपको माथेरान तक पहुंचा देगा। और वैसे यहाँ से रोड भी है जहाँ से अभी शायद से घोड़ा वगैरह जा रहा है, वहाँ से शायद से वहाँ से भी रहेगा, पर उससे बेटर आप ये ट्रैक पकड़ते जाओ, आगे सीनरी भी देखने मिलेगा। मैंने एक आध वीडियो में देखा है, तो देखते हैं हमें देखने मिलता है कि नहीं। पर जो अभी मेरे सामने का आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ बहुत सही है, अभी कैमरे में ये सेम वैसा लग रहा है कि नहीं पता नहीं मुझे। तो थोड़े आगे चलते आते ही आपको एक पहला व्यू देखने मिल जाएगा यहाँ पे। अभी थोड़ा फॉग है फिर भी दिख रहा है वहाँ पे, थोड़ा आगे जाके देखते हैं जो व्यू है। अभी फॉग के साथ और अच्छा लग रहा है, क्या ही व्यू है, बहुत सही लग रहा है। अभी थोड़ा फॉग है यहाँ पे, वहाँ पे धूप है, यहाँ पे पूरा धुंध है और आगे भी पूरा फॉग है। अगर आप टॉय ट्रेन से आते तो यहाँ से कैसा देखने तो मिलता, पर अभी आपको चाहिए उतना आप रुक के देख के एंजॉय करके आगे जा सकते हो, पर टॉय ट्रेन तो सीधी चलती रहेगी, पर टॉय ट्रेन का भी अपना ही मज़ा अलग है। तो माथेरान के मेन स्टेशन से पहले ही आपको ट्रैक पे से अगर चलते आते हो आप, तो यहाँ माथेरान के स्टेशन पे भी आओगे तो इस साइड अपोजिट साइड में आप अगर थोड़े चल के आओगे तो यहाँ पे आपको आशीर्वाद कॉटेज मिलेगा। तो इनके जो ओनर है यहाँ पे उनसे बात कर लेते। हमारे पास 3 कैटेगरी में रूम है, ओके। एक एसी कपल रूम, एक नॉन एसी कपल रूम, एक 4 बेड, ओके। ऐसा जैसे कि अभी एसी कपल रूम है उसके अंदर 2 से 3 लोग रह सकते हैं, ओके। नॉन एसी में भी 2 से 3 लोग रह सकते हैं, 4 बेड में 4 बेडरूम है उसके अंदर 5 लोग 6 लोग कंफर्टेबल रह सकते हैं, ओके। रूम में ऐसी सर्विस वगैरह LED टीवी है, वाईफाई, हॉट वाटर है, लाइट का इन्वर्टर बैकअप है, ओके। टॉयलेट बाथरूम अटैच है और नेट एंड क्लीन रूम है। अच्छा, और क्या रेंज पड़ेगा हरे का? जैसा कि अभी मंडे टू फ्राइडे है ना, नॉन एसी रूम है ना 800 तक देते हैं, ओके। एसी रूम है 1200 तक देते हैं, 1200 तक देते हैं, और 4 बेडरूम है 1500 तक देते हैं, 1500 तक। और अपना वीकेंड में क्या रहेगा प्राइस? वीकेंड में जैसा कि ओनली सैटरडे के दिन है ना, नॉन एसी का 1800-2000 रहता है, ओके। एसी रूम किसका रहेगा वो 1800, कौन से वाले का रहेगा? नॉन एसी कपर रूम कपर रूम जी। अच्छा, और एसी
एसी का अपर रूम का रहेगा, उसके अंदर भी तीन चार लोग रह सकते हैं। ओके, मगर डबल बेडरूम है, फोर बेड नहीं है। फोर बेड मतलब चार लोग कंफर्टेबल सोते हैं, एक्स्ट्रा मैट्रेस दे के छह सात लोग सोते हैं। ओके, तो जो एसी का अपर रूम है ना उसके अंदर है ना सैटरडे का रेट है ना 2200 से 2500 रुपये रहता है। ओके, और फोर बेडरूम है ना इसके अंदर पाँच छः लोग रह सकते हैं, इसके अंदर सैटरडे का रेट है ना 2500 से 3000 तक रहता है। 2500 से 3000 तक, हाँ जी। और अपना खाने पीने का कैसे रहेगा आपके पास? खाने पीने का जैसे क्या, वेज नॉनवेज दोनों भी मिलता है। ओके, वेज थाली लेंगे तो 180 रुपये तक जाती है, नॉनवेज थाली लेंगे तो नॉनवेज थाली 250 तक 200 तक दे देते हैं। यहाँ पे बहुत सारे और भी कॉटेजेस है या होमस्टे वगैरह टाइप है, और यहाँ पे अगर इस तरह अगर ऊपर जाते हो आप तो बड़े बड़े होटल्स वगैरह है आपके ऊपर, आपको कहाँ जाना है। जैसे कि मुझे वो जेन्युइन लगे और उनका प्राइस भी एकदम जेन्युइन लगा, जो उनका रेट था और उनकी जो फैसिलिटी के हिसाब से बहुत सही था, तो इसलिए उनका रेफरेंस दिया। अगर आपको वहाँ पे जाना है तो वहाँ पे जाके आप स्टे वगैरह कर सकते हो, उनको कॉल कर सकते हो, उनका नंबर मैंने तो दे दिया ऑलरेडी। तो फाइनली माथेरान स्टेशन के पास तो पहुँच गए हमें, पॉइंट्स पे जाने के लिए यहाँ से ये रोड से जाना होगा स्टेशन यहाँ पे। अगर आप यहाँ रोड से आते हो या स्टेशन से आते हो मतलब टॉय ट्रेन से आते हो तो यहाँ से उतर के ये रोड पकड़ना है आपको और सीधा सामने की तरफ जाना है। तो मुझे भूख लग गया तो मैं एक केतकर होटल में चला गया नाश्ता करने, और मैंने मंगाया यहाँ पे शीरा जो कि इसका प्राइस था 40 रुपीज़, और टेस्ट के हिसाब से बहुत अच्छा था। अगर आपको बाहर अगर कहीं पे नाश्ता करना है रोड साइड तो आप वहाँ पे भी कर सकते हो, पर मैंने प्रेफर किया यहाँ पे बैठ के खाना, और लगभग इसका प्राइस अगर देखा जाए तो बाहर के मुकाबले एकदम सेम ही है। और यहाँ का ये जो है प्राइस लिस्ट है जो कि ऑलमोस्ट आपको सभी होटल में थोड़ा बहुत आगे पीछे मिल जाएगा। तो यहाँ से थोड़ा आगे आते ही आपको पहला पॉइंट देखने मिलेगा जो कि है माधव जी पॉइंट। मेरे से मिस हो गया, मैं आगे चला गया, और ये पॉइंट सबसे पहला आता है। आप जैसे स्टेशन से उतरोगे थोड़ा माथेरान स्टेशन से पाँच एक मिनट में आपको ये लोकेशन आ जाता है, कुछ इस टाइप का है। तो यहाँ से सामने का पूरा व्यू दिख रहा है, सामने का पहाड़ एकदम रास्ते पे ही है, ये 1 से 2 मिनट लगेगा देख के आने के लिए। तो ये ज़रूर विजिट करना है, छोटा सा गार्डन भी है यहाँ पे, तो गार्डन में भी आके थोड़ा बैठ भी सकते हैं आप। यहाँ से आप जैसे आओगे आपको यहाँ पे दो रास्ता मिलेगा, एक लेफ्ट और एक राइट। राइट में सब लिखा है, इको पॉइंट और चार्लेट लेक ये सब लिखा है, और यहाँ पे एरोबिक करके दिया है। यहाँ पे इको पॉइंट हो गया, पुलिस स्टेशन, लुइसिया पॉइंट, हनीमून पॉइंट, मलंग पॉइंट, हनीमून पॉइंट एक बार चेक करना पड़ेगा क्या है वहाँ पे, क्या ही ऐसा है जो सिंगल लोगों के लिए नहीं है। पर हम जाएंगे लेफ्ट से, लेफ़्ट से इसका फ़ायदा ये होगा कि लेफ़्ट से हमें सब लाइन से हमें सब पॉइंट देखने मिलेगा। अगर यहाँ से जाते यहाँ से भी देख सकते हो आप, पर आपको लेफ़्ट मार के एक बार वो दो तीन पॉइंट देख के वापस रिवर्स में वही पॉइंट से आना पड़ेगा, पर ये पॉइंट आपको बेस्ट पड़ जाएगा क्योंकि लाइन से आपको एक एक पॉइंट सब कवर हो जाएगी। आप माथेरान स्टेशन से जैसे आओगे सीधा सीधा आपको स्टार्टिंग में दो राइट लेफ्ट लग जाता है, मैं आपको बोला आप लेफ़्ट ले लो, उसके बाद सीधा सीधा आना एकदम वापस भी सीधा सीधा आओगे और आपको यहाँ पे वापस से राइट लेफ़्ट आ जाएगा, और इस बार आपको राइट लेना है। और यहाँ पे एरो भी दिया है, यहाँ पे चार्लेट लेक करके दिया, इको पॉइंट दिया है, सीलिया पॉइंट दिया है, ऑलमोस्ट सब पॉइंट के इधर आपको एरोस दिया है। तो हमें जाना है, ये द्वार जैसा बना है इसके अंदर से हमें अंदर जाना है, और यहाँ से अभी लाइन से हमें पॉइंट मिलेंगे और पॉइंट पर जाते सीधा भी जो मैंने बताया आपको। वो रूट से अगर आप आते हो तो यहाँ से आप आते हो आपको राइट साइड में लेक पड़ेगा, तो लेक के पहले हम जाएंगे लॉर्ड पॉइंट पे। तो लॉर्ड पॉइंट का आपको मैं एंट्री बताऊँ, लॉर्ड पॉइंट आएगा यहाँ से, ये सामने ये रूट है, यहाँ से आओगे तो यहाँ पे लॉर्ड पॉइंट है। तो पहले हम लोग लॉर्ड पॉइंट पे जाएंगे, उसके बाद ये लेक वाले पे जाएंगे। तो जैसे कि हम लोग अभी सेकंड लोकेशन में आए और मेन लोकेशन अभी यहाँ से सब चालू होएगा, अभी जितने भी जो भी लोकेशन रहेंगे मतलब जो भी पॉइंट रहेंगे इंटरेस्टिंग वाले पॉइंट अभी यहाँ से चालू होगा, देख के आपको पता चलता रहेगा कितना अच्छा लोकेशन ये। और सामने आपको दिख रहा है ये है प्रबलगढ़, प्रबल माची, और उसके पीछे जो छोटा सा दिख रहा है जो वो है कलावंतीन दुर्ग फोर्ट है वो, और वहाँ पे ट्रेक वगैरह करते हैं, और इस पर मैंने ट्रेक कर चुका ऑलरेडी, उसका वीडियो है मेरे चैनल पे, आप जाके देख सकते हो मेरे चैनल पे उसका वीडियो। तो बहुत प्राउड फील हो रहा है आपसे देखने के लिए, जो मैं इतने बड़े पहाड़ पे चढ़ के गया था वो भी सोलो ट्रेक किया था मैंने, तो वो भी वीडियो आप जाके देख सकते हो। तो अभी हम लोग थर्ड पॉइंट पर है जो कि मैंने बोला था आपको चार्लेट लेक, अभी फिलहाल ये सूख गया है अभी क्योंकि लिए अभी बारिश का एकदम स्टार्टिंग वाला ये है, दो तीन बारिश आया, पर आप अगर जुलाई में आओगे तो आपको पूरा भरेला मिलेगा। तो अभी चलते हैं सीलिया पॉइंट के पास जो कि हमारा चौथा पॉइंट होगा अभी यहाँ से, तो सीलिया पॉइंट के पास चलते हैं जो कि सब बाजू बाजू में ही है। लॉर्ड पॉइंट उधर था, पीछे उधर लॉर्ड पॉइंट था, थोड़े एक मिनट के दो मिनट के डिस्टेंस पर,
यहाँ पे लेक और सीलिया थोड़ा आगे रहेगा, और यहाँ पे अगर जब पानी होता है तो यहाँ से फ्लो होता है, सब नीचे नहाने वीने के लिए जाते हैं लोग। ये लेक का ही पार्ट है, जब ओवरफ्लो होता है लेक का पानी तो यहाँ से ओवरफ्लो होकर नीचे जाता है, तो यहाँ से आप ऐसे जा सकते हो और वहाँ पे नहा सकते हो। थोड़ा रिस्की होता है, संभाल के जाना है यहाँ पे अगर आते हो तो, थोड़ा स्लिपरी हो सकता है। ऐसे तो पानी वगैरह दिख रहा है यहाँ पे, ऊपर से भी पानी आता रहेगा ऐसे जाता है। और दूसरा हमारा जो चौथा पॉइंट है सिलिया पॉइंट, वो सिलिया पॉइंट वही है जो सामने दिख रहा है, यही पानी, यही का पानी वहाँ पे जाता है। तो अभी पानी नहीं है तो इतना रिस्की नहीं है, जब पानी होगा तो यहाँ पे नीचे नीचे आना नहीं, थोड़ा रिस्की हो सकता है। यहाँ पे लिखा सिलिया पॉइंट, बारिश के टाइम आते हो तो आपको यहाँ से व्यू है, नीचे पूरा पानी फ्लो होते रहता है तो आपको नीचे जाने नहीं देते, अभी बारिश नहीं था तो इसलिए नीचे जाने का मौका मिला है। तो मैं सिलिया पॉइंट के पास था, जब भी बारिश आया तो उधर रुकना पड़ा मुझे थोड़ा टाइम, और सिलिया मेरा चौथा पॉइंट था। और अभी पाँचवा पॉइंट है किंग जॉर्ज पॉइंट, जहाँ पर अभी हम जाएंगे, और उसके बाद लास्ट पॉइंट रहेगा हम लोग का एको पॉइंट, जो कि छठा लोकेशन होगा। तो यहाँ से हम लोग अभी नीचे ही सिलिया पॉइंट है, वहाँ से ऊपर आया हूँ, सीधा आगे जा रहा हूँ। और आपको बता रहा हूँ जॉर्ज पॉइंट के लिए कहाँ से लेफ्ट लेना है, तो यहाँ से ऊपर आते ही आपको यहाँ पे बोर्ड दिख जाएगा, दो रास्ता दिखेगा, हमको लेना है लेफ्ट। यहाँ पे लिखा है किंग जॉर्ज पॉइंट लेफ्ट में है, यहाँ से है जॉर्ज पॉइंट के लिए एंट्री। ये एक लैंडमार्क रख लो, लाल वाला स्टॉल, उसके सामने ही है एको पॉइंट, सॉरी किंग जॉर्ज पॉइंट के लिए। तो हम लोग जाते किंग जॉर्ज, यहाँ पे जाने के लिए रास्ता है, यहाँ पे जाते हैं। क्या है देखते, ये तो एको पॉइंट के लिए एकदम शॉर्टकट है, एकदम घूम के आप अगर वो रास्ता पकड़ के आओगे तो यहाँ जैसा शॉर्टकट बना है एको पॉइंट के लिए, अलग अलग क्या एक ही हो गया ये तो। हाँ पर पॉइंट अलग है, वहाँ पे लोकेशन अलग दिखेगा आपको, सीन अलग दिखेगा। तो एको पॉइंट भी आ गए हम लोग, तो हम लोग अभी लास्ट लोकेशन पे आ गए, जो कि है हम लोग का सिक्स पॉइंट, जो कि है एको पॉइंट। और एको पॉइंट और किंग जॉर्ज पॉइंट एकदम बाजू बाजू में है, आप देख सकते हो। तो और इसके पहले एको पॉइंट में जाके देखते आवाज़ एको होता है कि नहीं, तो यूट्यूबर एक ही चीज़ बोलेगा, सब्सक्राइब सब्सक्राइब। हाँ तो सब्सक्राइब का रिटर्न में आया, सब्सक्राइब दबाओ सब लोग। कुछ तरीका है भीख मांगने का? 3, 2, 1, जैसे आप इको पॉइंट ख़त्म करके ऊपर आओगे आपको बहुत सारे यहाँ पे कैंटीन मिल जाएंगे, जहाँ पर आपको खाना नाश्ता मिल जाएगा। जैसे कि हमें किंग जॉर्ज पॉइंट पे जाने के टाइम हमें एक लाल कलर का शॉप दिखा, वहाँ पे आपको 170 में वेज खाना मिल जाएगा। तो आपको नॉनवेज थाली 200 से लेकर 250 के बीच में आपको नॉनवेज मिल जाएगा। अगर आप मार्केट के तरफ से अगर चलते आओगे तो बहुत सारे होटल के बाहर आपको उनके रेट्स वगैरह आपको दिख जाएंगे होटल के बाहर। तो जैसे कि हम लोग का वीडियो अब तक ख़त्म हुआ नहीं है, हम लोग अभी गए थे यहाँ पे से एको पॉइंट पे, और हम लोग आए थे इस जगह से पूरा घूम के आए थे। तो अभी जाने के टाइम हम लोग यहाँ से जाएंगे, यहाँ से अभी सीधा जाएगा मार्केट पे। जैसे मैं घर के लिए निकला मुझे बारिश मिल गया, और प्लस पॉइंट मुझे जाते वक्त टॉय ट्रेन भी मिल गया, टॉय ट्रेन से ही मैं अमल लॉन्स तक गया। और उसके बाद मैंने टूरिस्ट वाली कार पकड़ी, शेयरिंग वाली। अगर आप माथेरान आना चाहते हो तो माथेरान आपको 24 घंटा चालू होता है, आप कभी आ सकते हो। पर आपको आने जाने के लिए व्हीकल कौन से टाइम पे अवेलेबल रहता है, जैसे कि अभी लास्ट ट्रेन है जो टॉय ट्रेन है 5:10 के, जो कि माथेरान से अमल लॉन्स तक जाती है। उसके बाद हमें टूरिस्ट कार करके नेहरल तक जाना पड़ता है। 7 के बाद शायद से टूरिस्ट लोग कम हो जाते हैं, उसके बाद वहाँ पे टूरिस्ट ना होने के कारण वहाँ पे शेयरिंग थोड़ा बंद हो जाता है, उनको शेयरिंग में कोई मिलता नहीं, तो आपको पर्सनल व्हीकल करके जाना पड़ता है। पर्सनल व्हीकल आप रात के 11 तक भी आपको अवेलेबल है, अगर आपको पर्सनल व्हीकल करके जाना होगा तो। तो अभी मैं पहुँच गया नेहरल स्टेशन, और होप करता हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और आपके कुछ क्वेश्चन होंगे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा कि आपका कमेंट का रिप्लाई जल्दी से जल्दी देना ट्राई करूँगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाते रहूँगा, तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।